नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अपने सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज के बारे में। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई, सबसे पहले बात तो यही जानिए। खनिज पढ़ने से पहले इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, एक नक्शा भी बना लेते हैं उत्तर प्रदेश का साथ में। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ताकि आपको जो है जिले और उससे संबंधित कहां पर जिले हैं, उसकी पोजीशन क्या है, ये भी आपको नजर आती रहे। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम का विकास निगम की स्थापना हुई है 1974 में, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई, ठीक है, तो पहली खनिज नीति आई है 1998 में, ठीक है। और अभी जो नई खनिज नीति है वो आई है आपकी 2017 में, कब आई है 2017 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तीन बेसिक चीजें हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई 1974 में, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति आई 1998 में, और नई खनिज नीति आई जो आपकी अभी अभी 2017 में आई हुई है। समझ में आ रही बात, एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की हमने काफी ज्यादा वीडियो बना दिए हैं, एक सीरीज है पूरा, एक जो है हमारा वीडियो का सीरीज है उत्तर प्रदेश रिलेटेड। तो आप लोग अगर वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे एग्जाम गंगा में आप जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश के नाम, ठीक है, तो उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे वीडियो को आप देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगा। और मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन 95% जो भी उत्तर प्रदेश में चाहे जो है राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं होंगी, अगर उत्तर प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा जो वीडियो है अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए कभी कभी। ठीक है, तब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और देखो इतने सारे महत्वपूर्ण जो है खनिज हैं, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर पूछेगा भी कोई एक्स्ट्रा तो आपको इनकी जानकारी होगी तो आप इलिमिनेट भी कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को, तो ज़्यादा कुछ जानकारी मतलब एक्स्ट्रा जुटाने से कोई मतलब नहीं है। जितना हमें एग्जाम में आना है जिससे हम अपने नंबरों को ज़्यादा इंक्रीज करें, हमें केवल उतना ही पढ़ना है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में खनिज मेनली 12 जिलों में मुख्यतः पाया जाता है, बहुल, ठीक है, और ये 12 जो जिले हैं वो आपके यही इलाके हैं। ठीक है, ये वाले मतलब कह सकते हैं कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र बुंदेलखंडी जो क्षेत्र है, इन सभी पूरे क्षेत्र में ही आपका क्या पाया जाता है, खनिज विशेषता पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा। ठीक है, तो दूसरी चीज आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसकी तरफ भी इसका झुकाव ज्यादा है। ठीक है, आप लोग जाएंगे तो लाल मिट्टी का जो है पथरीला इलाका सब यही है। ठीक है, इधर का आपको बुंदेलखंडी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका सोनभद्र मिर्जापुर भी और आपका इलाहाबाद, ये सब जो है में ज्यादा से ज्यादा खनिज की बहुलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की। देखिए यूरेनियम जो है आपका मुख्यतः अगर पाया जाता है उत्तर प्रदेश में कहीं पर, तो ये पाया जाता है आपका ललितपुर में। कहाँ पर, ललितपुर में, ये है आपका ललितपुर। तो ललितपुर में आपका पाया जाता है यूरेनियम, कहाँ पर, ललितपुर में, ललितपुर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के किसी जिले में अगर मिलता है तो जिला है आपका कौन सा, जिला है आपका चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद के बगल में है। ठीक है, इधर अगर बात कर दे तो बांदा के बगल में है, ये पड़ता है आपका चित्रकूट। क्या पड़ता है, चित्रकूट, ठीक है, बगल में इधर इलाहाबाद है मतलब प्रयागराज जिसको हम लोग बोलते हैं, और इधर है आपका बांदा। समझ रहे हैं बात को, तो चित्रकूट जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, कहाँ पर, चित्रकूट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चाइना क्ले की। तो चाइना क्ले मुख्यतः आपका सोनभद्र में पाया जाता है। देखो ये जो इलाका है आपका, ये है आपका सोनभद्र जिला। सोनभद्र के बारे में हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई है। ठीक है, सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, सोनभद्र ही उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। ठीक है, इतनी सारी जानकारियां हमने आपको सोनभद्र के बारे में बताया है। ठीक है, बात कर लेते हैं तो चाइना क्ले कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, सोनभद्र में ही मिलता है। कहाँ पर, सोनभद्र में। ठीक है,
बात करते कोयला की, तो कोयला भी आपका सोनभद्र में ही है। कहाँ पर? सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। अभी बाद में बताते जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने दो चीज़ अभी तक सोनभद्र के बारे में बता दी, चाइना क्ले, कौन कौन, चाइना क्ले और कोयला, कोयला ये कहाँ मिलते हैं? सोनभद्र में, ठीक है। डायस्पार की अगर बात कर दूँ, डायस्पार मुख्यतः तीन जिलों में मिलता है। कहाँ पर? झांसी, झांसी यहाँ पर पड़ता है आपका, क्या पड़ता है? झांसी, बगल में ही पड़ता है आपका महोबा, महोबा और ये ललितपुर। तो डायस्पार आपका तीन जिलों में मिलता है, कहाँ कहाँ? झांसी, महोबा और ललितपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर, ललितपुर, ठीक है। पायरोफिलाइट की बात करें तो पायरोफिलाइट भी तीन जिलों में ही मुख्यतः पाया जाता है। कहाँ कहाँ? इन्हीं तीन जिलों में, झांसी, महोबा, ललितपुर में। कहाँ पर? झांसी, महोबा, ललितपुर में ही आपका पायरोफिलाइट भी मिलता है, ठीक है। फील्ड स्पार की बात करते तो फील्ड स्पार मुख्यतः अगर किसी जिले में मिलता है तो जिला है आपका झांसी। कहाँ पर? झांसी जिले में ही मुख्यतः फील्ड स्पार मिलता है। कहाँ पर? झांसी में, झांसी, ठीक है। बात करते हैं सिल्का बालू की, तो सिल्का बालू देखिए मुख्यतः प्रयागराज जिले में पाया जाता है। कहाँ पर? प्रयागराज। हमने बताया आपको कि चित्रकूट के बगल में ही लगा हुआ जिला है आपका, कौन सा? प्रयागराज, प्रयागराज। अब देखिए अगर सिल्का बालू यहाँ मिल रहा है तो थोड़ा बहुत मात्रा में आपके चित्रकूट में भी मिलता है, ठीक है। तो कहाँ का सिल्का बालू मिलता है आपका? प्रयागराज में मुख्यतः पाया जाता है, प्रयागराज और चित्रकूट में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रयागराज ऑप्शन ना हो तो आप चित्रकूट लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट की बात कर लें तो ग्रेनाइट कई जिलों में फैला हुआ है, जैसा देखिए झांसी, महोबा, ललितपुर तो है ही है, इसके अलावा बांदा यहाँ पर पड़ता है आपका, चित्रकूट के बगल में ही महोबा के पास में पड़ता है आपका बांदा, कौन सा जिला पड़ता है? बांदा, बांदा और इसके अलावा सोनभद्र, ठीक है। तो इन जिलों में पाया जाता है आपका ग्रेनाइट, ध्यान रखिएगा। कौन कौन जिले हमने बताया? देखो झांसी, बांदा, महोबा, ललितपुर और सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। बात कर लेते डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट भी आपका सोनभद्र जिले में ही मिलता है। कहां पर मिलता है? सोनभद्र में, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट कहां मिलता है? सोनभद्र मिलता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट की अगर बात कर दे तो रॉक फास्फेट आपका कहां पर मिलता है? ललितपुर जिले में। कहां पर? ललितपुर में ही आपका रॉक फास्फेट मिलता है, रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट बताइए कहां मिलता है? तो रॉक फास्फेट आपका मिलता है ललितपुर में। तो डोलोमाइट आपका मिलता है सोनभद्र में, सोनभद्र में, और राख फास्फेट आपको मिलता है आपको ललितपुर में, ललितपुर, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग संगमरमर की, तो संगमरमर मुख्यतः दो जिलों में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र में, मिर्जापुर और सोनभद्र में, सोनभद्र में क्या मिलता है आपका? संगमरमर, ठीक है। गेरू की बात कर दे तो गेरू आपका मिलता है कहाँ पर? बांदा में। किस जिले में मिलता है? बांदा में, अभी हमने बताया ये है बांदा, तो बांदा में आपका क्या मिलता है? गेरू, ठीक है, बांदा, तो बांदा में आपको मिलता है गेरू। जिप्सम दो जिलों में मिलता है, और ये जिले आपके कौन कौन से हैं? झांसी और हमीरपुर, झांसी के ऊपर ही जिला पड़ता है आपका हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है। तो झांसी और हमीरपुर में आपको मिलता है क्या? जिप्सम, झांसी साथ में हमीरपुर में भी मिलता है, ठीक है। हीरे की बात कर दूं तो हीरा देखिए बहुत कम मिलता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन दो जिलों में मिलता है, बांदा और मिर्जापुर में। कहां पर? बांदा
और मिर्जापुर, मिर्जापुर ठीक है। तांबे की बात कर दे तो तांबा भी आपका ललितपुर में ही मिलता है। कहां पर? ललितपुर में, ललितपुर में ही तांबा मिलता है ठीक है। लौह अयस्क की बात कर दे तो यह भी आपका ललितपुर में ही मिलता है। कहां पर? ललितपुर में ठीक है। और चूना पत्थर की अगर मैं बात करूं तो चूना पत्थर आपका मिलता है कहां पर? सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में। तो सोनभद्र में और क्या मिलता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि जो आपका ग्रेनाइट है वो भी आपका सोनभद्र में कुछ मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। तो आपने देखा कि सोनभद्र में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इसके अलावा ललितपुर में भी बहुत सारी खनिज मिलते हैं। तो हमने मुख्यतः इन्हीं जिलों में जो हमारा बुंदेलखंडी क्षेत्र है और जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसी में मुख्यतः हमें जो है खनिज मिलते हैं ठीक है। तो आई होप सारा चीज़ हमने आपको समझाया। यदि आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम या कहीं पर आपको मिस्टेक दिखती हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए ठीक है, ताकि हम उसको सुधार सके। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं भी कोई भी आपको मतलब गलत ना हो पाए ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।